हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं न्यू वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए, और आज मैं ये जूती अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाली हूँ। और ये मैंने खरीदा अमेजोन से, और इसका प्राइस है 539 रुपीज़। और इसका आपको बहुत सारा कलर मिल जाएगा अमेजोन पे, और मैंने बरगंडी कलर ऑर्डर किया है 42 नंबर, क्योंकि मेरा पैर का साइज़ काफ़ी लंबा है। मैं लंबी हूँ तो मेरे पैर का साइज़ भी काफ़ी लंबा है, और मेरे साइज़ का जल्दी मिलता नहीं है। ये मिल गया तो मैंने भाग्य भरोसे ये ले लिया है। और इसका प्राइस तो मैंने आपको बता दिया, 539 रुपीज़ का है। और ये मुझे अच्छे से बन भी गया, इसका साइज़ बहुत ही अच्छा है। और ये जूती कोई भी गर्ल्स पटियाला सूट पे, साड़ी पे पहने तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे पंजाबी सूट पे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, बरगंडी कलर का जूती। और आपको जो कलर पसंद हो वो आप ख़रीद सकते हैं। वैसे तो लड़कियां किसी भी ड्रेस पे ये जूती पहन सकती है, लेकिन पटियाला सूट या फिर पंजाबी सूट पे ये जूती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैं इसको सॉक्स के साथ भी पहन करके दिखाऊंगी। और जैसे कि मैं अपने पैरों की सेफ्टी के लिए अधिकतर जूती पहनती हूँ, फ्लैट जूती। मैं हील्स वाली नहीं पहनती हूँ, फ्लैट पहनती हूँ। बस मेरे पास हील्स भी बहुत हैं, लेकिन मैं फ्लैट ही पहन करके कहीं आती जाती हूँ ना, मार्केट या कॉलेज या कहीं भी। और ये जूती काफ़ी आरामदायक है, पहन के चलने में भी मुझे बहुत ही आराम लग रहा था। ये नहीं लग रहा था कि मतलब गड़ रहा है इधर से उधर से, बहुत ही आरामदायक है ये जूती। और कलर भी बहुत ही अच्छा है, और इसी की मैं अभी अनबॉक्सिंग करूँगी। तो आप सभी भी देखो कैसी इसकी पैकेजिंग है, कैसे मेरे पास आया। और मैं जो भी चीज़ ख़रीदती हूँ मैं सबसे पहले आप सभी के साथ ही शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और इसका डब्बा देखिए ऐसा है, और मैंने पहना हुआ जंप सूट, और ये भी मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से। उसके वीडियो भी मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड की थी, आप सभी ने देखा होगा। और आज मैं जूती की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मुझे गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने में भी बड़ा अच्छा लगता है, या फिर कुछ चीज़ ऑर्डर करती हूँ वो अनबॉक्सिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक्साइटेड रहते हैं कैसा सामान होगा। और जो भी मैं मतलब अनबॉक्सिंग करती हूँ तो डब्बा लेने के लिए बच्चे सबसे पहले तैयार रहते हैं, भाभी के बच्चे। और मैंने अपना एंकलेट चेंज नहीं किया है, जो मैंने पहना था वही वाला है, चेंज नहीं किया। प्राइस तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, क्लियर दिखता ही नहीं। मैं प्राइस दिखा रही थी कि 539 रुपीज़ का है ये जूती, पर दिखा नहीं क्लियर, क्या करें कैमरा ही ख़राब है। जो दिख रहा है वही देख लीजिए, ये देखिए जूती आगे से मोजड़ी टाइप है, मस्त है। इसमें वर्क भी बहुत ही अच्छा है, हल्का है, ज़्यादा चमक नहीं है, वही अच्छा रहता है। क्योंकि कॉलेज ये दी जाना है या फिर कहीं भी, तो ज़्यादा चमक वाला पहन के किसको दिखाना है। सिंपल सोबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैं भी पहनूंगी और चल के भी आप सभी को दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद मैं सॉक्स के साथ भी पहन करके और चल के दिखाने वाली हूँ आप सभी को। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मेरे नेल्स में ब्लू कलर का नेल पेंट भी लगा हुआ है, मैंने लगाया था, हल्का हल्का छूट गया था तो मैंने फिर से दोबारा अप्लाई कर लिया था, क्योंकि सस्ता वाला नेल पेंट मैंने लगाया था 10 रुपये वाला, तो छूट गया था नेल पेंट तो मैंने फिर से लगा लिया। अब मैं इसको पहनती हूँ, 42 नंबर का है। मुझे देखने से लग रहा था छोटा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा हो गया, मुझे टाइट नहीं हो रहा था। लेकिन इस जूती के पीछे में लिखा हुआ था 7 नंबर, पता नहीं मुझे कैसे हो गया।
इसके पीछे में भी लग रहा है सिलाई किया हुआ है पूरा, जैसे कपड़े में कैसे होता है वैसे। और मैं वीडियो में म्यूज़िक नहीं डालूँगी, मैं पूरे वीडियोस में बोलूँगी, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी मैं तो हमेशा म्यूज़िक डाल देती हूँ, मैंने सोचा म्यूज़िक की जगह मेरा ही वॉइस आप लोग सुनो, ज़्यादा बेहतर होगा, चलने में भी कंफर्टेबल लग रहा था मुझे बहुत ही। ना लूज है ना टाइट है, बहुत ही आरामदायक है। और इसका कलर बरगंडी कलर काफी प्यारा है। थोड़ा बाहर का साउंड आ रहा होगा फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, क्योंकि बाहर के साउंड को मैं नहीं रोक सकती हूँ, मैं सिर्फ अपने साउंड को रोक सकती हूँ। ऐसा भी मतलब कमेंट आता है मुझे कि जुत्ती पहनने से पैर छुप जाते हैं, बात तो सही है लेकिन पैर सेफ भी रहते हैं जुत्ती पहनने से, कहीं भी बाहर आने जाने पे हमारा पैर काफ़ी गंदा हो जाता है, लेकिन जब हम जुत्ती पहनते हैं तो हमारे पैर छुप तो जाते हैं, तो उसी से तो सेफ रहता है हमारा पैर। और पैरों की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं सबसे ज़्यादा पैरों की केयर भी करती हूँ, इसलिए मेरे पैर सुंदर हैं, साफ़ हैं, कोमल हैं। यदि ये जुत्ती किसी को लेनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप सभी में से जिसको भी लेना हो वो ले सकते हैं ये जुत्ती। और अब मैं पहन करके दिखाऊंगी अपना सॉक्स और उसके साथ जुत्ती दोनों, उसके साथ भी आप सभी देखिएगा कैसा लग रहा है। ट्रांसपेरेंट सॉक्स है ये, छोटा सा प्यारा सा इसमें फ्लावर बना हुआ है, स्काई कलर का, मैरून कलर का और वाइट कलर का। उल्टा मैं पहन रही थी, इसको मैं सीधा कर ले रही हूँ। सारा मैं सॉक्स पहनती हूँ ना, खोल के फिर उल्टा ही रख देती हूँ ऐसे सॉक्स मुझे अच्छा लगता है। ये भी मैं ये अंगूठा वाला जो रहता है ना, तो मैं अपोजिट साइड से पहन रही थी तो मुझे फिर से खोलना पड़ा। दोनों सॉक्स मैं पहनने में गड़बड़ा जाती हूँ, एक में मैं उल्टा पहन रही थी और एक में वही चीज़ कर रही थी, अंगूठा वाला उधर कर दी थी मैं। देखना पड़ता पहनने टाइम भी कि कैसे पहनना है। अब मैं सॉक्स के साथ जुत्ती पहनूंगी। सॉक्स में भी पैर छुप जाते हैं पर सेफ रहते हैं, सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हेयर स्टाइल सारे बॉयज़ लोग बनाते हैं, हेलमेट पहनते हैं ख़राब हो जाता है,
पर सेफ्टी जरूरी है ना, तो सबसे पहले केयर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो क्या होगी वो अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है क्योंकि माइंड में कभी भी कुछ भी आ सकता है मेरे।